सो गाइस, आज है संडे की सुबह और देखते हैं नाश्ते में क्या बन रहा है। अच्छा, आज नाश्ते में फरे बन रहे हैं। वो क्या बना रहे हो? आज हम बना रहे हैं फरे, जो गांव में बनते हैं टेस्टी वाले। अच्छा, वो इसमें कौन कौन सी दाल डलती है? इसमें उड़द की दाल और चने की दाल रात में भिगा के ये हमने इसे मिक्सी में पीस लिया है। और ये वाली कौन सी दाल है? भुनी हुई उड़द की दाल। और ये चने की दाल है। इसको रात में पानी में भिगो दिया था, सुबह उठ के इसको। वही क्या है इसके अंदर? ये हींग है, इससे पेट सही रहेगा और खुशबू भी आएगी। अच्छा, इसको पानी में भिगा देंगे। ये क्या है? ये चावल का आटा है। अच्छा, वो ये धनिया लहसुन यहाँ पे क्यों रखा है बाबू? इसका मसाला यही होता है, धनिया मिर्ची और लहसुन और नमक डलेगा इसमें और हींग, ये इसका मसाला है। मिक्सी में पीस लिया। ये धनिया लहसुन और मिर्ची आपने किस लिए रखा है? इसको हम सिल पे पीसेंगे जो कि ये गीला ना हो, और मिक्सी में पीसेंगे तो ये गीला हो जाएगा। ऐसे इसको पीसना है। सो गाइस, जब तक मेरी बुआ खरे बना रही है तब तक मैं बैठ रही हूं। आ गया हूं। सीख रहा हूँ। अब इसको आटा गूथेंगे, अब इसको गर्म पानी से जो कि ये सॉफ्ट बने। इतना बड़ा पतीले में पानी क्यों रखा है? क्योंकि ये स्टीम होके बनेगा इस छन्ने में। जब ये पानी गर्म होगा फिर उसके बाद ये इसमें बनेगा और इसके ऊपर जाम फरा बना ये रख देंगे। हाँ, ये भाप में बनेगा ना, अब इसे हम रख देंगे गर्म होने के लिए गैस। पतीला गैस पर चढ़ चुका है, अब इसमें से भाप निकलेगा, उससे बनेगा फरा। अब वो इस बाउल में क्या डालोगे? अब हम सब मिक्स करेंगे। ये है चने की दाल और इसकी ये धुली हुई उड़द की दाल। ये है लहसुन, धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट। और ये हींग।
स्वाद अनुसार नमक। अब इसको सब मिक्स करेंगे। वो कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, ये जब मिक्स हो जाएगा तो और अच्छा ग्रीन ग्रीन लगेगा। वही तैयार हो गया क्या? अभी तैयार हो गया। अब इसको चावल के आटे में छोटी छोटी रोटी बनाएंगे हाथ से। और इसके अंदर इस वाले पेस्ट को ऐसे तैयार। अब ये जो दाल हमने तैयार करी है, मिक्स करी है, अब इसको इसके अंदर हम हम तेल लगा रहे हैं जो कि इसमें इसको हम रख देंगे स्टीम होने के लिए और इसको अच्छे से ढक देंगे। वो कितना टाइम लगेगा अभी? बस तैयार हो गया। वो कितना टाइम लगेगा? बस बन गया। तुमने बोला ना बहुत टेस्टी बनाया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार ट्राई करके देखिए आपको कैसा लगा।